अब पहले प्लीज उनका लुक देख लो भैया, भाई के देखो हेयरलाइन किस तरह से हुआ है भाई। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेख्या मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलता वेख्या। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेख्या मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलता वेख्या। ये ट्रांसप्लांट फेल हो गया क्या? सूट करदा तेनू सूट सूट करदा, ओनी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट सूट करदा। ओनी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभजीत, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया। ये चैनल जो है ये हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यहाँ पर डिस्कस होता रहता है। और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है फेब्रुआरी का 1 तारीख को, कुछ दिन बाद 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट, और मैंने तो काफ़ी सारा वीडियो में मेरा रिजल्ट जो है मैंने शेयर किया है। और एक वीडियो देखा पहले तो हमने बहुत सारे वीडियो डाले थे हमारे बारे में, जब हम गए थे हेयर ट्रांसप्लांट कराने पंजाब, तब हम डाले थे इनके बारे में। तो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि भाई इतना बड़ा बाल्डनेस और इतना बड़ा एरिया कवर करना था, और डोनर एरिया उतना ज़्यादा नहीं था, तो उसके बावजूद क्या रिजल्ट आएगा, क्या कैसा होगा, सारे कुछ हम डाउटफुल हम भी थे। तो तब उसके बाद 4 महीने कंप्लीट हो गया उनका, और थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू हो गया इनका। तो आज हमने उनको बुलाया और वो रिस्पॉन्स किया और आया है हमारे घर में तो वीडियो बनाने के लिए। और पहले दोस्तों किन के लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए, प्लीज़ दोस्तों इसके लिए एक लाइक हो जाए इस वीडियो में, प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, तो बहुत अच्छा लगता है हम जब वीडियो में लाइक आता है। और बताना दोस्तों इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है, और क्या सारे कुछ डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के दौरान मिलेगा कि डोनर आइडिया कैसा है और कहाँ कहाँ से ग्राफ लिया गया था, सारे कुछ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, और कितना कॉस्ट आएगा, कितना कॉस्ट आया था इसका, सारे कुछ हम डिटेल्स इस बारे में बात करेंगे। तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालना। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों पहले देख लो भैया इस एरिया में इसका बिल्कुल, अब पहले मैं वीडियो चला देता हूँ इसका, जो पुराना वाला कंडीशन है वो कैसा था, और अब देख लो कंपेयर कर लो ए वाला एरिया, ये जो एरिया था ये एकदम बिल्कुल खाली था पहले, ए वाला एरिया था बिल्कुल खाली था, आप देख सकते हो वीडियो में, और पीछे वाला एरिया भी खाली था। इस एरिया पे छोटा सा एरिया में भी ट्रांसप्लांट हुआ था, उस साइड में भी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद इनका पीछे से 4000 ग्राफ्ट लिया गया था। तो इसका ड्रोन एरिया का कंडीशन क्या है आपको दिखा देते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ से लिया गया था इसका ग्राफ्ट, देख सकते हो इसका कंडीशन कैसा है अभी, पीछे समझ में नहीं आ रहा है भाई कहाँ से लिए गए थे। तो देख सकते हो दोस्तों पीछे कुछ प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद थोड़ा सा लगता है कि इसमें ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट लिया गया था, मगर जो ट्रांसप्लांट करते हैं या ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको ही पता चलेगा, नहीं तो नॉर्मल जो इंसान है वो देखेगा तो कभी भी बता नहीं सकता कि इनका पीछे एरिया से कुछ भी हुआ था। इसका इनका पीछे वाला डोनर एरिया से लगभग 4000 प्लस ग्राफ्ट लिया गया था, और लिया गया था इसका बियर्ड से, सॉरी आपको दिखा देते हैं बियर्ड का कंडीशन भी अब कैसा है। तो भैया आपको बियर्ड से भी लिया गया था, प्लीज़ दिखा दो उनको कहाँ से लिया गया था, यहाँ से और यहाँ से। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से और यहाँ से लिया गया था, तो नज़र ही नहीं आ रहा है किधर भी, कोई भी स्पॉट या कोई भी निशान कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोग डरते हैं कि भाई बियर्ड से लेंगे तो बियर्ड का कोई प्रॉब्लम होगा या स्कार आएगा कुछ भी आएगा, तो मेरे भी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कोई स्कार कोई भी कुछ भी निशान नहीं है इसको, ग्राफ लिया गया था बियर्ड से, समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों प्लीज़ और एक बार आप रिजल्ट देख लो अपना भाई का, ये रहा दोस्तों। तो इनका अभी तो इनका 4 महीने हुआ है, बाकी देखते हैं आगे जाके और भी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है मुझे भी और इनके भी, और आप भी प्रेयर कीजिए, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और अपना जो ज़िंदगी है वो खुशी से बिता सकते हैं। कुछ बोलना चाहो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को? मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ मेरे सारे दोस्तों को कि आप लोगों ने मेरा रिजल्ट देखे और मुझे आप हौसला दे
प्लीज उनको उनको थोड़ा सा हौसला दो कि भाई टेंशन मत लो, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, थोड़ा सा डरते हैं भाई, मुझे भी पता है बहुत सारे लोग, मैंने भी मेरा टाइम में जो था, मेरा जब टाइम था मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जब मेरा 4 महीने 3 महीने हो गया था, मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब मैं बहुत बहुत सारा डर था मेरे मन में, सभी के मन में होता है। तो मैं आपको और एक बार प्लीज़ बताना चाहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है और अपना 4-5 महीने हो गया है कंप्लीट, आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, 1 साल तक इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा अगर आपने अच्छा क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट किया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा भाई, इनका कॉस्टिंग क्या लगा, इनका ग्राफ कितना लगा? तो भाई आपका ग्राफ कितना लगा था? मेरा ग्राफ लगा था पूरे 5,000 ग्राफ, और पीछे से लिया गया था 4,000, और लगभग पीछे से लिया गया था 4,000 ग्राफ्ट, और सामने से लगभग मेरे हिसाब से पीछे से 4,500 लिया गया था और सामने से लिया गया था 500 ग्राफ्ट। तो उनका काउंटिंग में हम एक्सपर्ट नहीं है, कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, पता नहीं कितना ग्राफ लगे है, और इनका देख सकते हो आपका इनका रिजल्ट ए आया है, ठीक है ना। तो अभी भी क्राउन में देख सकते हो, थोड़ा सा हिल जाओ, क्राउन में देख सकते हो अभी भी उतना अच्छा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला रिजल्ट नहीं आया है, हालांकि बहुत सारा छोटा छोटा ग्राफ नहीं हेयर्स दिख रहा है हमें, तो रिजल्ट आने की बहुत बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, और नेक्स्ट में आएगा तो इनको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और अच्छी तरीके से इनका रिजल्ट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो दोस्तों जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है, जिनका भी बाढ़ने से, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब जो हेयर ट्रांसप्लांट आए हैं इंडिया में, जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है बहुत ही सक्सेसफुली हो रहा है, और बहुत ही कम यानी बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया अभी रेट, पहले तो 60-70 पर ग्राफ था, अभी 15-10 रुपए में अच्छे अच्छे काम हो रहा है। आप टेंशन मत लो, किसी अच्छे क्लिनिक से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपने अच्छी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, तो अपना रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और अपनी ज़िंदगी खुशी से आप हेयर्स के साथ बिता सकते हो। तो दोस्तों और एक चीज़ जो कि छूट गया है, कि इनका कॉस्ट कितना लगा भाई, आपका कॉस्ट कितना लगा था उस टाइम में? मेरा तो कॉस्ट लगा था पर ग्राफ 15 रुपये, टोटल 5,000 75,000 लगा था इनका। और ये अभी आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो अभी? मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मेरा इतना खुश हो ना, अपने ज्यादा के ज्यादा खुश हूँ मैं। अच्छा, तो बहुत ही ज्यादा भाई अपने खुश है, और अपने हेयर ट्रांसप्लांट से मैं भी चाहूँगा, आप चाहते हो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करो, और अच्छे क्लिनिक से करो, और अपने जो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है, अपने हेयर्स के साथ अपने लुक में जो बदलाव है वो लाओ, और अपने ज़िंदगी को खुशी से बिताओ। मेरा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरा, मिनोक्सिडिल के बारे में, कि मिनोक्सिडिल मुझे कौन सा अच्छा लगा, मैंने 2 मिनोक्सिडिल यूज़ किया था, MX5 और मिनटॉप 5%, दोनों में मुझे कौन सा अच्छा लगा, और किनको मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन सारे मैं ख़त्म करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते दोस्तों।